गुड इवनिंग स्टूडेंट्स. सो आज हम लोग जो टॉपिक देखने वाले हैं वो है कॉन्स्ट्रेंट मोशन. तो कॉन्स्ट्रेंट मोशन एक कॉन्सेप्ट है जो कि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में पढ़ाया जाता है. तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जहाँ पे भी डिपेंडेंट मोशंस आते हैं, मतलब अगर हमें किसी बॉडी के, मतलब इफ़ वी आर स्टडिंग दी डिपेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ वन ऑब्जेक्ट ऑन अदर, तो इसी को हम कॉन्स्टेंट मोशन कहते हैं. अब इसके कुछ बुक्स में जो डेफिनेशन दी जाती है या जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ाया जाता है वो ये बताया जाता है कि इन कॉन्स्टेंट मोशन अ मूविंग बॉडी इज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पाथ. मतलब इस टाइप के मोशन में क्या होता है कि एक जो बॉडी है या तो वो दूसरी बॉडी पे डिपेंडेंट, या तो नहीं, मतलब एक्चुअली में वो दूसरी बॉडी पे डिपेंडेंट मोशन करती है, या फिर अगर हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उसका जो पाथ है, जो भी वो मोशन के दौरान अपना पाथ चूज़ करेगी, वो एक रिस्ट्रिक्टेड पाथ होगा. जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ इसके डिपेंडेंसी पे या इस स्पेसिस पे, कि मान लीजिए यहाँ पे दो सपोर्ट है इस टाइप से और बीच में एक थ्रेड है. इस थ्रेड पे अगर हम एक बीड बनाएं जो इस पे मूव कर सकता है, तो अगर आपको पता है या तो वो बीड इस तरफ मूव कर सकता है या बीड वो इस तरफ मूव कर सकता है. मतलब उस बीड की मजबूरी है, द बाउंडेशन विद द बीड इज इधर इट कैन गो राइट और इट कैन गो लेफ्ट, बट वो अप और डाउन नहीं जा सकता है. इस चीज़ को कांस्टेंट मोशन कहते हैं. मतलब अब इस बीड का मोशन इस धागे पे डिपेंड करता है. मैं एक और एग्जांपल से आपको बताता हूँ. जैसे आप लोगों ने पुली का एग्जांपल देखा होगा, अच्छा याद रखेंगे कि यहाँ पे हम जो पुली की बात करने वाले हैं वो एक फ्रिक्शनलेस पुली है. अभी हम यहाँ पे रोलिंग या रोटेशन की बात नहीं करेंगे. तो अगर हम इस पुली को देखें, तो अगर ये पुली का ये जो मास है, मास टू, अगर वो मास टू लेट से ए टू एक्सेलरेशन से नीचे आता है, तो हमें डेफिनेटली पता है कि जो मास वन वो ऊपर जाएगा. मतलब एनी केस ऐसा नहीं हो सकता कि ये दोनों मास नीचे आए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ये पुली मूविंग नहीं है तो. तो इसको कॉन्स्टेंट कहते हैं कि अगर हम ये देखें, इस मास को एम वन को अपना रेफरेंस मान लें, तो एम टू उसके रिस्पेक्ट में नीचे जा रहा है अगर वो ऊपर जाएगा, और अगर हम एम टू को अपना रेफरेंस मान लें तो एम वन उसके रिस्पेक्ट में ऊपर आ रहा है. इस चीज़ को हम कॉन्स्टेंट मोशन कहते हैं. तो ये कॉन्स्टेंट मोशन का बेसिक रीज़न क्या है? इस कॉन्स्टेंट मोशन का सबसे सबसे बेसिक रीज़न है वो है इन एक्सटेंसिबल. अगर हम इन टाइप के क्वेश्चन में देखें तो वो है इन एक्सटेंसिबल रोप्स. तो डिफरेंट टाइप के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप की उनकी अंडरस्टैंडिंग होती है और डिफरेंट टाइप के उनके रीजंस होते हैं. तो जो ये वाला कॉन्स्टेंट है, इसमें जो मेन रीज़न है वो है इन एक्सटेंसिबल रोप. एक्चुअली में क्या है, एक्चुअली में जो रोप है, अगर हम देखें इस रोप को, तो ये एक इनएक्सटेंसिबल रोप है. इनएक्सटेंसिबल का मतलब ये होता है कि जो इसकी इंटर मॉलिकुलर स्पेसिंग होगी इसके एटम्स की, वो कभी चेंज नहीं होगी. मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक फोर्स लगाता हूँ जो ऑलरेडी लग रहा है, लेट से एम टू जी, और वो एम टू जी जब इस मास को नीचे खींचता है तो वो मास इस वाली थ्रेड में एक टेंशन को प्रोड्यूस करेगा. वो जो टेंशन है वो इस रोप की लेंथ को चेंज नहीं कर सकती है. ये यहाँ पे एक बेसिक सी बात हमें माननी होगी कि जो रोप्स हैं वो ऐसी हैं जिनका लेंथ और शेप और साइज चेंज नहीं होता है. क्योंकि वो चेंज नहीं होता है, तो हर जो छोटा छोटा मास होगा इस रोप का, वो एक दूसरे फोर्स लगाएगा और आगे के धीरे धीरे मास इसको मूव करेगा, और एक पॉइंट पे आके ये जो मास है वो इस पर्टिकुलर मास को मूव कर देगा. क्योंकि इनकी लेंथ या स्पेसिंग चेंज नहीं हुई है, तो ये बॉडी इन एनी केस इस बॉडी के मोशन को इफेक्ट करेगी. अगर ये लेंथ चेंज हो सकती होती तो शायद ये फोर्स इसको खींचता और ये मूव नहीं करता, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं होगा. तो जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो कॉन्स्टेंट है. जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है वो एक कॉन्स्टेंट है. तो ये बेसिक प्लॉट है कॉन्स्टेंट मोशन का. अब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल्स लेते हैं, धीरे धीरे इलस्ट्रेशंस लेंगे और उनमें समझेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं कॉन्स्टेंट मोशन के कॉन्सेप्ट को. तो कॉन्स्टेंट मोशन में पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि कॉन्स्टेंट मोशन में एक्चुअली में हम मैथमेटिकली क्या जानना चाहते हैं. तो फिजिकली तो हमें पता है कि
मोशन के डिपेंडेंसी को यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं, एक जो बॉडी है वो कैसे दूसरे के मोशन को इफेक्ट करती है वो हम यहाँ पढ़ रहे होते हैं। लेकिन मैथमेटिकली अगर देखें, क्योंकि जो भी हम चीज़ सॉल्व करेंगे दैट विल बी अ मैथमेटिकल इक्वेशन, तो मैथमेटिकली जो हम जानना चाहते हैं वो हमेशा हम एक ही चीज़ जानना चाहते हैं, वो है मोशन एंड इट्स एट्रीब्यूट्स। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका बहुत सिंपल सा मीनिंग ये है कि जो भी मोशन है, मतलब जो भी बॉडी की काइनेमेटिक्स है, जो भी बॉडी की काइनेमेटिक्स है, हमें बस उनकी उन प्रॉपर्टीज़ की बात करनी है जो काइनेमेटिक्स से रिलेट करती है बॉडी की। जैसे दो ही चीज़ें हैं जिनकी हम यहाँ पे कंक्लूजन करेंगे, पहली है वेलोसिटी और दूसरी है एक्सेलरेशन। तो एक्चुअली में हमें यहाँ पे सिर्फ बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ और बॉडीज़ के एक्सेलरेशन को रिलेट करना आना चाहिए। यही कॉन्स्टेंट मोशन के फिजिकल आस्पेक्ट से मैथमेटिकल आस्पेक्ट का कंक्लूजन है। तो इसको कैसे करते हैं? तो हमने कॉन्स्टेंट मोशन को क्या करना है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। बिकॉज आप स्टैंडर्ड लेवल पे देखेंगे बुक्स में, तो सिर्फ दो ही टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे कॉन्स्टेंट मोशन से जो रिलेट करते हैं। वो दो क्वेश्चंस हैं, एक है पुली कॉन्स्टेंट, दूसरा है नॉर्मल कॉन्स्टेंट। तो पहले तो मैं कुछ बेसिक आपको इलस्ट्रेशंस बताऊंगा, कुछ बेसिक इलस्ट्रेशंस से हम समझेंगे कि कांस्टेंट मोशन और क्या होता है और क्लियर करेंगे, और फिर हम कुछ स्टैंडर्ड टाइप के इलस्ट्रेशंस में जाएंगे जो आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल, मैं आपको एक बहुत बेसिक सा एग्जांपल डिस्कस करता हूँ, कुछ बेसिक बेसिक पहले एग्जांपल डिस्कस कर देता हूँ तो तुम्हारी आपकी और क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, ये एक ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे लेट से हमने दो मासेस बनाए, तो अगर हम ये मासेस बनाते हैं, हमने इनको थ्रेड से जोड़ दिया, अब आपको समझ आ गया कि ये थ्रेड कैसी है, इनएक्सटेंसिबल है, मतलब इसकी लेंथ चेंज नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, मैं फिर से बता देता हूँ आपको, इसकी लेंथ क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम इस सिस्टम को देखें, तो अगर मैं ये कहूँ कि अगर ये जो जो ये फ्लोर है ये फ्रिक्शन लेस है, और अगर इस बॉडी का एक्सेलरेशन ए वन है, इस मास का एक्सेलरेशन ए वन है, तो हम ये कह सकते हैं इस मास का एक्सेलरेशन भी ए वन होगा। या फिर हम सिर्फ इतना भी अगर कह दें, इतना भी कंक्लूड करना समझ चुके हैं कि अगर ये बॉडी राइट में जाएगी तो ये बॉडी भी राइट में जाएगी, तो हम कॉन्स्टेंट की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ले चुके हैं। कॉन्स्टेंट का मतलब पाथ को डिफाइन करना है। अगर ये राइट में जाएगा तो इसकी मजबूरी है कि ये राइट में जाए, मतलब कॉन्स्टेंट मोशन को अगर हम एक वर्ड में देखें तो वो एक बॉडी की मजबूरी है किसी दूसरी बॉडी की वजह से मोशन करने के लिए। तो अभी तो मैंने इन दोनों एक्सेलरेशन को सेम लिख दिया है, लेकिन मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक्सेलरेशन सेम भी कैसे है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कांस्टेंट मोशन का यूज़ करना है, या कांस्टेंट मोशन का यूज़ कैसे करते हैं। मैं एक और आपको बेसिक सेट ऑफ एग्जाम्पल से बता देता हूँ जो हम बहुत यूज़ करने वाले हैं। जैसे अगर जनरल अगर कोई रोप है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये रोप इनएक्सटेंसिबल है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इन दो पॉइंट्स को लूँ इस रोप पे, पी और क्यू, और अगर मैं कहूँ कि वी जो P पॉइंट है उसकी वेलोसिटी VP है और जो Q पॉइंट है उसकी वेलोसिटी VQ है, जबकि ये रोप राइट साइड में मूव कर रही है, तो मैं ये कंक्लूजन करूंगा कि जो VP है दैट इज इक्वल टू VQ विथ डायरेक्शन एंड वेलोसिटी। नाउ द डायरेक्शन इज नॉट राइट और लेफ्ट, यहाँ पे डायरेक्शन राइट और लेफ्ट नहीं होती, यहाँ पे डायरेक्शन अलॉन्ग दी रोप होती है। इस चीज को आपको बड़े ही ध्यान से समझना है, क्योंकि रोप की लेंथ नहीं बदल रही है, तो रोप के डायरेक्शन में, इन दी डायरेक्शन ऑफ द रोप, उसकी कोई रिलेटिव दो मासेस की, मतलब उसके दो पार्ट की रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट जीरो है। मतलब फिर से इसको समझ लें कि इस डायरेक्शन में, रोप के डायरेक्शन में ये जो पॉइंट है, ना तो ये इस तरफ बढ़ सकता है, ना ये इस तरफ बढ़ सकता है इसके रिस्पेक्ट में, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं। मतलब अगर ये जो लेंथ है, लेट से अगर ये 1 मीटर है, तो ये हमेशा 1 मीटर रहेगी। हम और किसी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, राइट और लेफ्ट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिर्फ रोप के लेंथ की डायरेक्शन में। ये आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि जो रोप की लेंथ है वो कांस्टेंट है, तो जो हमारे लिए डायरेक्शन जब मैं कहूँगा तो वो रोप के लेंथ की डायरेक्शन होगी, ना कि वो कोई जनरल डायरेक्शन होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सिर्फ पुली कांस्टेंट को डिस्कस करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। लेकिन पुली कांस्टेंट से पहले, जैसे मैंने एक इलस्ट्रेशन बताया, तो मैं आपको कुछ बेसिक इलस्ट्रेशन बता देता हूँ जो आपने काफ़ी बुक्स में देखे होंगे, जैसे एससी वर्मा में कुछ प्रॉब्लम्स होंगी जो इस डायरेक्ट इलस्ट्रेशन से ही आपकी सॉल्व हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, बहुत ही जनरल इलस्ट्रेशन मैं आपको एक करके बताता हूँ, आप देखना कैसे आप रिलेट कर पाते हो उस चीज़ से। जैसे फॉर एग्जाम्पल, हम इसको कह देते हैं इलस्ट्रेशन नंबर, तो ये हमारा इलस्ट्रेशन हो गया,
इलस्ट्रेशन नंबर टू. इलस्ट्रेशन नंबर टू में हम एक जनरल डिस्कशन कर रहे हैं जहाँ पे हमने एक पुली बनाई, रैंडमली हमने एक रोप का एक पार्ट यहाँ से लिया, रैंडमली एक रोप का पार्ट यहाँ से लिया, यहाँ पे एक मास बांध दिया, यहाँ पे भी एक मास बांध दिया, इस मास को M1 कह दिया, इस मास को M2 कह दिया. अब ध्यान से देखेंगे, मैंने कहा कि ये जो मास है इसकी एक मैंने जनरल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी दे दिया आपको, लेट अस से मैंने आपको ये दे दी वेलोसिटी की डायरेक्शन V1, ठीक है, और मैंने आपको इसकी डायरेक्शन ये दे दी V2, ठीक है. अब मैंने आपको क्या बताया, मैंने बताया कि इस पॉइंट की, क्या ये पॉइंट इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल हाँ जुड़ा हुआ है, तो मतलब अगर इस पॉइंट की डायरेक्शन इस तरफ V1 है तो इस पॉइंट की भी डायरेक्शन V1 होगी, सिमिलरली इस पॉइंट की अगर V2 है तो इस पॉइंट की भी इस डायरेक्शन में V2 होगी. लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि ये दोनों वेलोसिटी बराबर नहीं होंगी, मतलब V1 विल नॉट बी इक्वल टू V2. क्यों? क्योंकि एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें क्या ध्यान रखना है, डायरेक्शन, हमारी डायरेक्शन हमेशा क्या है, अलोंग द रोप है. इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि हमारी जो डायरेक्शन है वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि ये अलॉन्ग द रोप है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है. यहाँ पे कुछ ही बेसिक इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो बेसिक इंपॉर्टेंट बातें आप याद रखेंगे तो बहुत इजीली क्वेश्चंस को बना पाएंगे. तो अब हम क्या करेंगे, अलॉन्ग द रोप डायरेक्शन प्लॉट करेंगे. तो फॉर एग्जाम्पल ये पहली अलॉन्ग द रोप डायरेक्शन है, ये दूसरी अलॉन्ग द रोप डायरेक्शन है. लेट अस से मैं इस एंगल को अल्फा कह देता हूँ, मैं इस एंगल को बीटा कह देता हूँ. तो मैं ये कहूँगा अगर मैं रिजॉल्व करता हूँ इस वेलोसिटी के कंपोनेंट को, तो हमें पता होना चाहिए कि जहाँ से थीटा बनता है वहाँ से कॉस का कंपोनेंट आता है, और जहाँ से यहाँ पे थीटा बनता है तो यहाँ पे भी कॉस का कंपोनेंट आएगा, और इनके एक इसका कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, इसके परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट यहाँ पे आएगा, लेकिन वो हमारे लिए बिल्कुल भी मैटर नहीं करता. तो हमारी कॉन्स्टेंट मोशन की जो कंक्लूजन होगी वो होगी वी वन कॉस अल्फा विल बी इक्वल टू वी टू कॉस बीटा. मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ रही होगी कि जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है वो है डायरेक्शन. तो डायरेक्शन इज़ बेसिकली नॉट द जनरल डायरेक्शन, बट इट इज़ द डायरेक्शन अलॉन्ग द रोप. जैसे हम अगर नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखें तो और बेटर तरीके से समझ पाएंगे. जैसे आपने ये क्वेश्चन डायरेक्टली एस सी वर्मा में देखा होगा, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन है एस सी वर्मा में जहाँ पे हम एक ऐसी ऐसे करके उसने पुली दे रखी है, और फिर यहाँ पे एक मास लटका रखा है, और यहाँ से एक रोप जा रही है जो कि शायद ग्राउंड पे कहीं पे रखी हुई है एक मास के साथ, मतलब इसको आप मैन कह सकते हो, किस भी कह सकते हो क्या रहा है यहाँ पे, ये जो राइट मास है ये ग्राउंड पे, ये जो राइट मास है ग्राउंड पे इस तरफ V1 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और ये जो M2 मास है ये हवा में V2 वेलोसिटी से ऊपर आ रहा है. तो कॉन्सेप्ट क्या है, काफ़ी लोगों को शायद ये बात समझ आ गई होगी, लेकिन क्या इसमें ज़रूरी है, सबसे पहले इसमें जो दिया होना ज़रूरी है वो है किसी पर्टिकुलर एंगल का थीटा. तो मैं किसी इंस्टेंट पे पूछ सकता हूँ, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखें कि वेलोसिटी चेंज हो सकती है टाइम के साथ, इसलिए हम जब भी वेलोसिटी की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस ही करेंगे. तो हमें ये एंगल दिया होगा किसी पर्टिकुलर टाइम पे, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम वेलोसिटी के फिर वो कंपोनेंट निकालेंगे जो रोप के अलोंग है. तो सबसे पहले रोप के अलोंग डायरेक्शन को प्लॉट कर लें, एक डायरेक्शन ये हो गई है. तो लकीली ये जो वेलोसिटी है ऑलरेडी रोप के अलोंग है, लेकिन ये वेलोसिटी रोप के अलोंग नहीं है. तो इसको पहले तो आप रोप के अलोंग डायरेक्शन बना लें, और इस V1 का अब हमेशा ध्यान रखें वेलोसिटीज़ का कंपोनेंट रोप के अलोंग लें, रोप का कंपोनेंट वेलोसिटी के अलोंग ना लें. मतलब जो रोप की वेलोसिटी है अगर वो गिवन है रोप के डायरेक्शन में, तो उसे कभी ब्रेक नहीं करेंगे, हमेशा ब्रेक किसको करेंगे, दूसरी वेलोसिटीज़ को रोप के अलोंग ब्रेक करेंगे. मतलब अगर ये थीटा है तो आपको समझ आ रहा होगा ये भी थीटा होगा, और यहाँ पे जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा वी वन कॉस थीटा. तो रोप के अलोंग जो इस पॉइंट का कॉम्पोनेंट है वो है वी वन कॉस थीटा, और इस पॉइंट का जो कॉम्पोनेंट है वी टू कॉस वी टू. तो कॉन्स्टेंट के हिसाब से जो वी टू है उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा वी वन कॉस थीटा के. शायद आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि हमेशा रोप के अलोंग जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो बराबर होंगे. तो बेसिकली मुझे लगता है कि शायद एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको आ रही होगी कॉन्स्टेंट मोशन की क्या होती है. नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट जो दो वीडियोस हैं उसमें हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड दो प्रॉब्लम्स बनती हैं चाहे वो एडवांस लेवल पे हो चाहे वो मेंस लेवल पे, वो बनती हैं एक तो पुली कॉन्स्टेंट
और नॉर्मल कॉन्स्टेंट उनको डिस्कस करेंगे। अभी आप इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, ध्यान से कॉन्सेप्ट को ग्रैस्प करने की कोशिश कीजिए कि हो क्या रहा है, बिकॉज अभी इंपॉर्टेंट बात कॉन्स्टेंट को पढ़ना नहीं है, ये समझना भी है कि कॉन्स्टेंट लगाना हमारे दिमाग में कब आए कि हमें कॉन्स्टेंट लगाना है, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन में और मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन में आपको समझ नहीं